नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्राम कठेगरा तहसील नरवा जिला शिवपुरी से मामला सामने आया है। रविंद्र जाटव के पास अनजान नंबर से कॉल आया, फिर उनसे पूछा गया कि आपका खाता बंद हो चुका है, आपको खाता चालू करवाना है या नहीं। रविंद्र सिंह के द्वारा बताया गया, सर खाता चालू करवाना है। जिस नंबर से कॉल आया उसने बताया कि खाता चालू हो गया है, इसके लिए हमको कुछ डिटेल्स चाहिए, आप बता पाएंगे। तो रविंद्र ने जवाब कहा कि जी सर बता पाएंगे, आधार कार्ड का नंबर। फिर उनसे पूछा गया एटीएम कार्ड के 12 नंबर अंक भी पूछे गए। उसने पूछा गया एटीएम पिन नंबर, आपके मोबाइल पर ओटीपी आई है। रविंद्र सिंह ने जवाब दिया जी सर ओटीपी आई है। अनजान नंबर कॉल वाले ने बताया कि ओटीपी बताया, उन्होंने भी ओटीपी बता दी। फिर क्या हुआ, उनका पैसा 13,500 खाते से कट दिया गया और कॉल समाप्त हो गई। रविंद्र सिंह मोबाइल पर एक मैसेज आता है, फोन पर रविंद्र सिंह ने मैसेज देखा तो उसके खाते से 13,500 रुपए कट जाते हैं। नरवर से संवाददाता धर्म सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। रविंद्र कहाँ के रहने वाले हो? कठेगरा। आगे और किसका पैसा उड़ा है? हाँ भैया, आपका भी पैसा उड़ा है? नौ हजार रुपये, 9,300। आपके पास भी इसी प्रकार का कॉल आया था? इसी प्रकार का। अच्छा, तो आपने क्या उनको क्या क्या इम्प्रूवमेंशन दिए? एटीएम का ये 12 अंकों का नंबर है। क्या क्या मांगा आपसे? हमसे यही मांगा था एटीएम का नंबर, ये वाला, फिर जन्मतिथि और जी मांगी, फिर पीछे का ये नंबर मांगा। अच्छा, आपका 13,000 कितना पैसा हुआ है? मेरा 9,300 गया है। 9,300 रुपये कट गया है? तो आप बड़े भाई का और गया, कितने लोगों का पैसा कटा है? दोनों लोगों का, एक नंबर से। अच्छा, टोटल कितने पैसे चले गए? 22,000। ये किस दिनांक की घटना है? कल। अच्छा, कल की है, रात में काट रहे, कुछ रात में काटी। अच्छा चलो ठीक है, इसकी शिकायत आपने कहीं की? अभी तो नहीं की, हम अभी आए हैं शिकायत करने। कहाँ पर आए हो? नरवत थाने पर। नरवत थाने पर। अपनी ब्रांच स्टेट बैंक में आपने कुछ सूचना दी? अभी तो नहीं दी। ब्रांच में दी थी, अगर थाने जाओ। ब्रांच में छोटी वाली ब्रांच में दी, सुबह बोल रहे हैं कि थाने चले जाओ। ब्रांच का क्या नाम है, कौन सी जगह है ये ब्रांच? चक्रामपुर। चक्रामपुर में आपने सूचना दी कि हमारा पैसा काटा गया है, किसी अनजान नंबर से कॉल आया और हमसे जानकारी ली, तो हमने उनको जानकारी दे दी, हमारा पैसा काट दिया गया। बैंक का मैनेजर बोल लिया। अच्छा, बैंक के मैनेजर के नाम से कॉल आया, आया कि आपका खाता बंद है, आपका खाता चालू करवाने के लिए हमको जानकारी दें,